मेरे चैनल पे। तो लो भैया, इस तरह से पहुंच गए हम अपने ठिकाने पे। ठिकाने पे मतलब शिरडी स्टेशन पे। पता है आपको हम कितने बजे शिरडी स्टेशन पहुंचे? 4:15 के करीब हमारी गाड़ी जो है शिरडी स्टेशन पे पहुंची। मतलब रात को ना 11 बजे हमने थाना से ये गाड़ी पकड़ी थी, जो ठीक 4:15 बजे यहाँ शिरडी स्टेशन पहुंच गई। और आपको तो पता है कि उतरने के बाद जो है थोड़ी भागा दौड़ तो होती ही है। तो हम लोग ना यहाँ पे उतर के एक दूसरे को तलाश रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, ये शिरडी स्टेशन जो है कितना बड़ा है, मतलब बहुत ही बड़ा स्टेशन है। और बहुत ही मतलब अच्छी तरह से, मतलब एकदम बोलते हैं ना, स्वच्छ तरीके से यहाँ पे इसको मेंटेन किया गया है। बहुत ही अच्छा है ये स्टेशन। गुड मॉर्निंग, अभी जो है सुबह के 4 बज चुके हैं और अभी हम लोग जस्ट अभी शिरडी पहुँच रहे हैं। और यहाँ से अभी हमें जाना है मेरे मामा के घर। तो अभी जस्ट मेरे ना मामा ने यहाँ पे घर दिया है नया, तो हम लोग अभी वहाँ जा रहे हैं रिक्शा से। तो बाकी जो है हम लोग घर पहुँचने के बाद आपसे बात करेंगे। ओके, बाय। और सच कहूँ ना तो 5 घंटे के यात्रा के लिए ना स्लीपर सीट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहली बात तो आपको नींद आती नहीं है, और जब नींद आने लगती है तब तक उतरने का टाइम हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो, हम 11 लोगों की जो टीम है ना, अभी रिक्शा पकड़ने के लिए रिक्शा स्टैंड की ओर रवाना हो रही है। जी हाँ, हमारे ग्रुप में ना हम सब मिल के ना टोटल 11 सदस्य थे। उसमें जो थे ना, मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरे मामा जी थे, और बाकी सब जो थे ना वो मेरे मामा जी के मित्र परिवार थे। अब इन मित्र परिवार में से ना मेरे मामा जी और मेरे मामा जी के कुछ दोस्त जो है ना, वो हर साल पदयात्री बन के शिरडी आते ही है, लेकिन इस साल कुछ कारणवश से ना वो नहीं आ पाए थे पदयात्री बन के। तो इसलिए उन्होंने ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग आगे जाके बाकी पदयात्रियों का स्वागत करेंगे। वैसे आप शिरडी किसी भी समय आओ, दिन हो या रात, आपको हमेशा यहाँ पे रिक्शा मिलेंगे ही मिलेंगे। इन रिक्शाओं को जो है ना टमटम कहा जाता है, या फिर डुक्कर रिक्शा भी कहा जाता है। तो अगर आपका किसी होटल में ऑलरेडी बुकिंग है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका किसी होटल में पहले से बुकिंग नहीं है, तो ये जो रिक्शा वाले रहते हैं ना, जिनका कमीशन पहले से ही किसी होटल से जुड़ा रहता है, वो आपको वहाँ पर लेके जाते हैं। वैसे ये रिक्शा जो है ना बहुत बड़े रहते हैं, तो इसीलिए ना बहुत सारे लोग इसमें समा सकते हैं, और पर पर्सन के हिसाब से ये लोग जो है पैसा लेते हैं। तो हम लोग ने भी क्या किया, 2 रिक्शा किया, और वो 2 रिक्शा से हम हमारे मामा जी के घर पहुंच गए। गुड मॉर्निंग। तो अभी आप जैसे देख रहे हैं कि मेरी तैयारी हो चुकी है, और अभी हम लोग निकल रहे हैं साई दर्शन के लिए। तो अभी हम सब लोग रेडी हो चुके हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरे मामा जी का घर है, और यहाँ पे हम सब लोग रुके हैं। मतलब मामा जी के कुछ मतलब फ्रेंड्स लोग हैं, वो भी आए हैं, जो हर साल यहाँ पे पालकी के लिए आते हैं, लेकिन इस साल
पालकी जो है वो आगे निकल गई है और ये लोग जो है मतलब हम लोग सब मिलके ट्रेन से आए हैं पीछे से, लेकिन फिर भी हम लोग पालकी से पहले पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो पालकी जो है वो बाद में आने वाली है जिसका स्वागत हम लोग करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग अभी जा रहे हैं सुबह साई दर्शन के लिए। तो चलिए हम लोग अभी, एक्चुअली हम लोग आपको भी लेके जा सकते थे, लेकिन अभी अभी मुझे जस्ट पता चला है कि वहाँ पे जो है कैमरा अलाउड नहीं है, मोबाइल अलाउड नहीं है, तो मैं आपको वहाँ का नहीं दिखा सकती। फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको जितना दिखा सकूँ मैं दिखाऊँगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरह से जो है मैं साई दर्शन जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन उससे पहले हम लोग जाने वाले हैं नाश्ता करने के लिए और उसके बाद हम वहाँ से सीधे निकलेंगे साई दर्शन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम सब लोग जो है साई दर्शन के लिए साई मंदिर पहुँच चुके हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग नाश्ता करके यहाँ पे आएंगे, लेकिन ज़्यादा लेट ना हो इसीलिए हम बिना नाश्ता किए ही पहले साई मंदिर आ गए हैं। और वैसे भी ना कहा ही जाता है कि बिना नाश्ता किए या फिर बिना कुछ खाए ही अगर भगवान के दर्शन किए जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब ये उपवास हो जाता है आपका। तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे जो है मोबाइल या कैमरा अलाउड नहीं है अंदर लेके जाना, तो इसीलिए अगर गलती से भी लेके आए हो मोबाइल या कैमरा तो ना वो जमा करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी व्यवस्था की गई है जहाँ पे आप अपने मोबाइल या कैमरा जमा करके अंदर जा सकते हो। लेकिन हम में से एक सदस्य बाहर ही रुकने के वजह से हमने हमारे मोबाइल कैमरा सब उन्हीं के पास रख दिए थे और हम सब साई दर्शन के लिए अंदर चले गए थे, और इस तरह हमारे अच्छे तरीके से दर्शन भी हो गए और हमें साई आरती भी मिल गई। लेकिन वहां से निकलने के बाद ऐसे जोरों से भूख लगी कि क्या बताए, इसीलिए हम वहां से निकले और सीधे पहुंचे साई प्रसादालय। तो ये जो साई प्रसादालय है ना, ये भी काफी बड़ा है, मतलब रोज लाखों की संख्या में यहाँ पे भक्त लोग खाना खाने आते हैं, और उत्सव के दिन होने की वजह से ना जितनी भीड़ मंदिर में थी ना उतनी ही भीड़ यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि ना यहाँ पे उत्सव के टाइम पे भी ना बहुत सारे भक्त लोग आते हैं, मतलब रोज के हिसाब से कई ज्यादा। शाम को हम सब गए खंडोबा मंदिर, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब तक हम खंडोबा जी का दर्शन नहीं कर लेते तब तक साई यात्रा सफल नहीं होती, मतलब साई यात्रा पूरी नहीं होती। तो ये खंडोबा जी का दर्शन जो है बहुत अनिवार्य है। खंडोबा मतलब शिव जी का ही एक रूप है, जिनका मूल मंदिर जो है ना वो जेजूरी में स्थित है, और खंडोबा जी का दर्शन इसलिए अनिवार्य है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यही से जो है मालसापति जी ने आओ साई कह के साई को दिल से पुकारा था, और वही पुकार सुन के साई बाबा शिरडी में प्रकट हुए थे।
और सच कहें ना तो तभी से हमारे साईं बाबा को साईं नाम प्राप्त हुआ और हमारे साईं सबकी माँ और पिता बन गए। तो ये था आज का मेरा साईं यात्रा का छोटा सा वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। और यहाँ से आगे मैं साईं यात्रा के और भी पार्ट लेके आने वाली हूँ, मतलब मेरे और भी वीडियोस जो है वो आने वाले हैं, तो वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को जिसका नाम है स्पिरिचुअल सोल ऑफ इंडिया। बाय।